आज हम कर रहे हैं एन क्लॉथ। अगर आपको कोई भी ऑब्जेक्ट क्लॉथ की प्रॉपर्टीज में लाना है तो एन क्लॉथ सबसे ज़्यादा यूजफुल रहेगा। एन क्लॉथ के लिए आपको सेगमेंट ज़रूर बढ़ाने पड़ेंगे। सेगमेंट चाहिए हमें एन क्लॉथ के लिए। अब क्या करो, यहाँ से ले लो एफएक्स, हमें मिलेगा एन क्लॉथ। आप इसकी विंडो को बाहर निकाल लो। एन क्लॉथ बनाने के बाद अगर आपको लग रहा है एन क्लॉथ नहीं चाहिए तो डिलीट हिस्ट्री कर सकते हो। तो कैसे बनाना है एन क्लॉथ, सेलेक्ट प्लेन एंड क्लिक ऑन क्रिएट एन क्लॉथ। एन मींस न्यूक्लियस, फिजिकल प्रॉपर्टीज पे चलता है न्यूक्लियस, इसलिए से बोलते हैं एन क्लॉथ। क्लॉथ बनाने के बाद यहाँ पे आ रहा है सेटिंग प्रेफरेंस। इसमें याद रखना टाइम स्लाइडर में प्लेबैक स्पीड हमेशा प्ले एवरी फ्रेम होनी चाहिए, क्योंकि डायनामिक हर फ्रेम पे चलता है, हर फ्रेम पे सिमुलेशन लेता है। इसे कर देना प्ले एवरी फ्रेम एंड प्लेबैक स्पीड को कर देना रियल टाइम 24 FPS। सेव, प्ले करो। अभी क्लॉथ की तरह गिर रहा है पर क्लॉथ को रोकने के लिए कोई भी ऑब्जेक्ट नहीं है, जबकि हमने बॉक्स लगाया, बॉक्स नहीं रोक पा रहा, क्योंकि इसको तो हमने बनाया क्लॉथ, तो इसको बनाएंगे हम कोलाइडर। तो कोलाइडर कैसे बनाते हैं, सेलेक्ट पैसिव कोलाइडर। इसमें देखो क्रिएट न्यू सॉल्वर आ रहा है, पर हमें क्या करना है, जब हमने एन क्लॉथ बनाया है ना, तो इसके साथ एक फिजिकल प्रॉपर्टीज जुड़ गई है जिसे बोलते हैं न्यूक्लियस। नंबर लिखा होगा 1, न्यूक्लियस 2, न्यूक्लियस 3। तो अगर मैं इसका पैसिव कोलाइडर ले रहा हूँ और क्रिएट न्यू कर रहा हूँ तो न्यूक्लियस 2 लेगा, फिर वो आपस में कनेक्ट नहीं होंगे, आपस में टकराएंगे नहीं। याद रखना जो इसका न्यूक्लियस होना वही न्यूक्लियस लेना है, मतलब छेड़ना नहीं, अपने आप वो न्यूक्लियस 1 सेलेक्ट हो जाएगा। तो मैंने आपको बताने के लिए किया, अपने आप न्यूक्लियस 1 आ जाएगा। अब देखो ये उससे टकराएगा क्योंकि मैंने न्यूक्लियस 1 लिया, उसका भी न्यूक्लियस 1 है, इसका भी न्यूक्लियस 1 है। ये न्यूक्लियस मिलेगा कहाँ, ये एन बना आ रहा है, न्यूक्लियस 1 है इसका नाम, तो ये दोनों के साथ अटैच हो गया। एनिमेशन खुद ही आ जाएगी, अपने आप आ जाएगी ये प्ले हो करने पर। अगर आप चाहते हो इसकी शेप चेंज करना तो आप इसमें जैसे मर्जी सेगमेंट डालो। शेप चेंज होने के कारण वो उस शेप के अकॉर्डिंग ले रहा है। थोड़ा बड़ा कर दो, मान लो गोल टेबल है ये, अब ऐसा लग रहा है शादियों में होती है ना गोल टेबल पे ये बिछा हुआ होता है। स्मूथ नहीं लेगा कभी भी एन क्लॉथ। समझ आया? अब देखो ये पहले फ्रेम पे जाके बार बार गिर रहा है, मैं चाहता हूं ऑलरेडी गिरा हुआ है ये, इसकी करंट इनिशियल पोजीशन बन जाए। तो उसके लिए क्या करना, एन कैच में क्रिएट न्यू कैन न्यू कैच एन ऑब्जेक्ट। एन कैच ने क्या किया, ये जो बार बार स्लो गिर रहा था ना फास्ट गिरेगा, पर मुझे इसकी करंट पोजीशन बनानी इनिशियल।
स्टार्टिंग इसमें से जगह चेंज कर दी है करंट की। चलो कोई नहीं, मैं चाहता हूँ मान लो यहाँ पे कपड़ा फट जाए जब इससे टकराए तो उसके लिए क्या करना, आप थोड़े से वर्टेक्स सेलेक्ट करो जहाँ जहाँ का कपड़ा फाड़ना है जिस जिस शेप में। यहाँ पे आता है एन कंस्ट्रेंट में टेरेबल सरफेस, अब देखोगे फट जाएगा। ज़्यादा टकराएगा तो ये फट जाएगा। फ्रेम बढ़ा दो, मान लो मैं कोई नोकीली चीज रख देता हूँ यहाँ पे, और इसे भी बना देता हूँ पैसिव। देख रहे हो कपड़ा फट गया। समझ आया? अब मान लो आपको एक बोरी के अंदर बहुत सारे बॉल्स बननी है और वो बोरी फट जाए, तो मान लो ये है बोरी, इसे हम बना रहे हैं एनक्लॉथ, पर ये तो गिर रही है, ये तो पहले गिर गई, तो इसे कर दो ऊपर से कोई पकड़ ले इसको। तो इसके लिए करना कंस्ट्रेंट के अंदर ट्रांसफॉर्म कंस्ट्रेंट, अब क्या होगा वो अपनी जगह पे अटक गई बोरी। मैं चाहता हूँ इसके अंदर बॉल्स भर जाए, बॉल्स बहुत सारी, तो क्या करो एन पार्टिकल आता है, एन पार्टिकल में आ रहा है आपके पास बॉल्स। पहले मैंने बॉल्स ले ली कि मेरे को बॉल्स चाहिए, फिर क्लिक करना क्रिएट इमीटर। अब इस इमीटर को उसके अंदर रख देना, प्ले करो, अब बॉल्स इसके अंदर भर रही है और शेप भी अपने आप बॉल्स के अकॉर्डिंग ले रहा है वो। मैं चाहता हूँ ये फट जाए थोड़ी देर बाद, तो उसको कुछ कुछ जगह से टेरेबल बना दो, या नीचे से टेरेबल बना दो। जब ज्यादा फुल गई देखो फट गई बोरी। समझ आया? एनी डाउट? तो जो आप एडवर्टाइजमेंट देखते हो जेम्स की, वो इसी पार्टिकल से बनेगी। जब हम एन क्लॉथ खत्म करेंगे तो एन पार्टिकल शुरू करेंगे। तो नेक्स्ट क्लास में हम कैरेक्टर के ऊपर एन क्लॉथ यूज करेंगे।